हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ का। इससे दो या तीन क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में, CGPSC हो, CGVAPM हो, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, RI का एग्ज़ाम हो, उनमें सब में ये पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, वीडियो स्टार्ट करना है, जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो को दो तीन बार खाली सुन लेना है। देखिए, कई लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैंने ये वीडियो ये बनाया है। इससे क्या होता है कि कई लोग जो जॉब करते हैं बुक अपने साथ लेके नहीं जा पाते, बुक कैरी नहीं कर पाते, बुक पढ़ नहीं पाते, तो वो क्या कर सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट करें और इसको पढ़ लें, तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि धन्यवाद सर कि आपने ये वीडियो बनाया है या ऐसा वीडियो बना रहे हैं आप, हम जॉब करते हैं हमको पढ़ते नहीं बनता, हम वीडियो स्टार्ट करके देख लेते हैं तो हमारी तैयारी हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नित्य वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन होगा, इसे दबाना है, और उसके सामने एक बैल का आइकन होगा, इसे दबाना है। इससे क्या होगा, और ये करना बिल्कुल मुफ्त होता है, और इससे होता ये है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाता है और आप उस वीडियो को वहीं देख लेते हैं, आपको खोजना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य है। पहला तमोर पिंगला, जो सबसे बड़ा है। देखिए, तमोर पिंगला जो सबसे बड़ा है, साफ साफ यहाँ पर एकदम लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप चाहें तो नोट बना के रख सकते हैं, तमोर पिंगला सबसे बड़ा। सेमरसोत, ठीक है, बादल खोल सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, बादल खोल। गोमदरा, ठीक है, बारनवा पारा, उद्यंती, सीता नदी सबसे प्राचीन, अचानक मार्ग, भोरम देव सबसे नवीन, भैरमगढ़ और पामेड़, ये 11 के 11 वन्य जीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इनको याद रखना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला, सबसे छोटा तो बादल खोल, सबसे प्राचीन तो सीता नदी, सबसे नवीन तो भोरमदेव। ठीक है, तो इसके इन पूरे के पूरे अभयारण्य का हम एक एक करके थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया, एग्ज़ाम में थोड़ा डिटेल पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, या ये कहाँ है, ये वहाँ है, ये ऐसा नहीं पूछा। आजकल क्या, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, तो थोड़ा डिटेल पूछा जाता है, तो डिटेल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला जो तमोर पिंगला था, इसका डिटेल देखिए। तमोर पिंगला, जिला सूरजपुर, स्थापना 1978, क्षेत्रफल है 607 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से शेर और तेंदुआ जैसे मुख्य मांसाहारी वन्य प्राणियों के अतिरिक्त गौर, नीलगाय, सांभर, चीतल, भालू, जंगली सुअर, चिंकारा, कोटरी, लंगूर तथा बंदर आदि भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पक्षियों में मोर, नीलकंठ, तोता, कोयल, जंगली मुर्गा, भृंगराज, बुलबुल, दूधराज, पपीहा, तीतर और मैना आदि दिखते हैं। वनों से आच्छादित इस अभयारण्य में साल, साजा, धावड़ा, महुआ, तेंदू, अर्जुन, तिलसा, हल्दू, आंवला, चारकारी, बांस, धवई और घोट आदि प्रजाति के पेड़ पौधे और वृक्ष बहुताया मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, वन वर्गीकरण के आधार पर यह क्षेत्र शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इस अभयारण्य क्षेत्र में 8 राजस्व ग्राम आते हैं। इन ग्रामों में मुख्यतः गोंड, पंडी, चेरवा, कोडकू और खैरवार जनजातियां निवास करती है। नील गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, तमोर पिंगला में नील गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह राज्य की सबसे बड़ी अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य है कौन सा, तमोर पिंगला। कहाँ पर है, सूरजपुर में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नील गाय पाए जाते हैं। क्षेत्रफल है इसका 607 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब आपको, ये तमोर पिंगला का डिटेल। इसके बाद दूसरा देखते हैं, सेमरसोत अभयारण्य। देखिए, स्थापना जो है सेमरसोत का 1978, जिला बलरामपुर, क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य में सेंद्री, सेमरसोत, चनान, सासू, सेंदूर एवं मोग राही नदियों का जल प्रवाहित होता है।
अभयारण्य के अधिकांश क्षेत्र में सेमरसोत नदी बहती है। यही कारण है कि इस अभयारण्य का नाम सेमरसोत अभयारण्य पड़ा है। इस अभयारण्य में साल, साजा, बीजा, शीशम, खम्हार, हल्दू एवं बांस के वन पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय यहाँ भी पाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल है यहाँ पर पवई जलप्रपात और तातापानी। ठीक है, तो ये हो गया सेमरसोत, ये दूसरा अभयारण्य था। तीसरा अभयारण्य देखते हैं बादलकोल, ये है जिला जसपुर। कहाँ है ये? जिला जसपुर। स्थापना 1975, क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है बादलकोल, जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। इस अभयारण्य में मुख्यतः साल एवं मिश्रित प्रकार के वन हैं, जिसमें साजा, धावड़ा, सलई, बीजा, खम्हार, हल्दू, अर्जुन, महुआ, तेंदू, आंवला, चार, तिनसा, कर्रा, लेडिया आदि के पौधे पाए जाते हैं। औषधीय पौधे जैसे सतावर, तिखरू, काली सफ़ेद मूसली, राम तातून, चीरा यता प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है और ध्यान रखना है। इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादलकोल सबसे छोटा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद में है गोमरदा, ये है जिला रायगढ़। स्थापना 1975, क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। इसे अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अभयारण्य बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, सोन कुत्ता आदि वन्य जीवों का शरण स्थल है। सोन कुत्ता, देखिए ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोन कुत्ता एक कुत्ते का प्रजाति है, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति है, जो यहाँ पर पाया जाता है। ये इनका जो झुंड होता है, ये शेरों पर भी हमला करने से नहीं चुकते हैं, सोन कुत्ता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? रायगढ़ में, सोन कुत्ता। ठीक है, बहुत ही खतरनाक किस्म का जानवर है। ठीक है, किसी के ऊपर भी हमला करने से नहीं चुकता है। बावनवा पारा, जिला महासमुंद। कहाँ पर है? जिला महासमुंद। स्थापना 1976, क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य का नाम बावनवा पारा गांव के नाम पर पड़ा है। इस अभयारण्य में शेर, तेंदुआ, भालू और चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि दिखते हैं। बावनवा पारा में 150 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें इसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ हैं जंगली मुर्गा, फिंजेंट, बुलबुल, ड्रोंगो, कटफोड़ा व आदि मुख्य प्रमुख है। देवधारा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात स्थित है। बांस एवं मिश्रित वन से घिरा यह स्थान बहुत ही मनोरम है, यहाँ पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। तेलई धारा, बावनवा पारा से 10 किलोमीटर दूर यह मनोरम स्थान है। यह स्थान बांस एवं साल के वन से घिरा हुआ है एवं बड़ा ही रमणीक है। एक जलप्रपात यहाँ बनता है, पर्यटक यहाँ पिकनिक आनंद ले सकते हैं। तो देवधारा और तेलई धारा यहाँ घूमने योग्य जगह है। ठीक है, तो बावनवा पारा, महासमुंद। उद्यंती ये है जिला गरियाबंद। स्थापना 1983, क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगे रायपुर देवभोग मार्ग पर यह अभयारण्य रायपुर से 162 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली उद्यंती नदी के नाम पर इस अभयारण्य का नाम हुआ है। यह अभयारण्य जंगली भैंसों की बहुताया के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसों के लिए। 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल है और 2006 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उद्यंती। ठीक है, सीता नदी, जिला धमतरी। कहाँ पर है? जिला धमतरी। स्थापना 1974, क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। सबसे प्राचीन अभयारण्य है सीता नदी, सबसे प्राचीन अभयारण्य है। 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। 2006 में उद्यंती के साथ में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। सीता नदी के नाम पर नामकरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य, जिला मुंगेली। जिला मुंगेली, स्थापना 1975, क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर। अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इस अभयारण्य में वैसे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किंतु यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। क्या है? यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अचानक मार्ग वन्य जीव अभयारण्य 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिलासपुर वन प्रभाग का उत्तर पश्चिम वन विकास खंड अचानक मार्ग वन्य जीवन अभयारण्य भारत का एक समृद्ध अभयारण्य है। अचानक मार्ग वन्य जीवन अभयारण्य में अनेक प्रकार के
वन्य जंतु चीतल, जंगली भालू, तेंदुआ, बाघ, चीते, पट्टीदार, हाइना, केसिन, पोरियस, भेड़िया, स्थॉल बियर, आरनिसिस, भारतीय जंगली कुत्ते, कौन, चीतल, चार सिंह वाले एंटीलॉप, नील गाय, चिंकारा, ब्लैक बक, जंगली सुअर और अन्य प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है अचानक मार्ग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेली में 1975 में स्थापना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भोरमदेव कवर्धा जिला में है, कहाँ है कवर्धा, स्थापना 2001, क्षेत्रफल है 165 वर्ग किलोमीटर, सबसे नवीनतम अभयारण्य है भोरमदेव, सबसे नवीनतम अभयारण्य है। यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, चीतल, कोटरी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, लाल मुंह वाला बंदर, नेवला, खरगोश, बिज्जू आदि जानवर पाए जाते हैं। कहाँ? भोरमदेव कवर्धा। ठीक है, इसके बाद भैरमगढ़, तो जिला बीजापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। भैरमगढ़ अभयारण्य की उत्तरी सीमा पर बहने वाली इंद्रावती नदी के किनारे का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। पर्यटक इस नदी किनारे पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। साथ ही इस अभयारण्य के सागौन, साजा, बांस आदि के वन देखने लायक होते हैं। ठीक है, पामेड़ जिला बीजापुर, स्थापना 1983, क्षेत्रफल 265 वर्ग किलोमीटर, वन भैंसों की बहुलताया के कारण बहुत प्रसिद्ध है। किसके कारण है? वन भैंसों की बहुलता कारण। यहाँ बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, अन्य छोटे बड़े जीव काफ़ी मात्रा में हैं। यह अभयारण्य काफ़ी घने वनों से घिरा हुआ है, तो पामेड़। तो ये 11 जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, इनको आप एक या दो बार जरूर देखें। देखने से क्या होगा, वो दिमाग में आते जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता बुक खोलने का, आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। हेडफोन लगाइए और सुन लीजिए, सुनने से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी ये काम कर दें कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये बेल का आइकन भी दबा लें। इसी प्रकार मैं रोज़ नए वीडियो लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।